ही गाइज वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी कैंटीन भर्ती 2024 बैच के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इनकी नई नोटिफिकेशन आ चुकी है आर्मी कैंटीन की तरफ से। कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हो, एज लिमिट क्या होने वाली है, 10वीं पास ये भर्ती है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हो और एज लिमिट यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है सैलरी कितनी होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होगी और बता दें आपको अप्लाई कब से और कब तक चलेगी, सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना समय लेते हुए, अगर देख रहे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी कैंटीन की नई रिक्वायरमेंट आई है। सबसे पहले इसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूं क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट आपको 15,530 पदों के लिए नोटिफिकेशन आई है, जो कि पूरे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड नेम इंडियन आर्मी होने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 15,530 होगी। पोस्ट नेम आपको जो है कैंटीन अटेंडेंट, फायरमैन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कुकमैन, चार तरीके के पोस्ट देखने को मिलेगा। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड है। बात कर लेते हैं यहाँ पर हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, जेंडर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। कैटेगरीज की बात करें तो डिफेंस की जॉब देखने को मिलेगा। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया, एग्जाम लोकेशन ऑल ओवर इंडिया। एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो 10th लेवल बेस्ड क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और पेपर दो भागों में होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगी। सैलरी आपको 31,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल, मेरिट लिस्ट, यानी कि 6 तरीके से क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन देखने को यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो फ़ी आपको देखने को मिलेगा वो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप ओबीसी या फिर जनरल हो। तो एसटीएससी हो तो कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। पेमेंट मोड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग और बहुत सारे फ़ी मोड यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट जो आपसे मांगी जा रही है मिनिमम 17 होना चाहिए और मैक्सिमम 25। एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, एसटीएससी के लिए 5 साल की छूट। वहीं बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा वो 10th पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, अगर आप 10वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल भी होगी जिसके अंदर हाइट, चेस्ट, चिन अप, रनिंग, ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर, हाइट 166 सेंटीमीटर और चेस्ट 72 से लेकर 77, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए फिजिकल यहाँ पर देखने को मिलेगी। हाउ टू अप्लाई, इस फॉर्म को कैसे आवेदन करना है, तो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप हिंदी इंग्लिश दोनों में देख कर आवेदन कर सकते हो। आवेदन 3 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। कब से है तो मैंने आपको बता दिया, कब तक चलेगी तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, अभी बहुत समय है। अप्लाई यहीं से करना, डाउनलोड नोटिस यहीं से करना, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हो। गूगल पर भी सर्च कर लेना सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी .com, चले जाना इस वेबसाइट पर और यहीं से आप आवेदन कर सकते हो, यहीं से नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट, तो जय हिंद जय भारत।